भरतपुर में हुए नगरपालिका चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं। यहां निर्दलियों ने बाजी मारी है। 8 नगरपालिकाओं में 7 पर निर्दलीय पर कब्जा रहा, जबकि 1 नगरपालिका बीजेपी की झोली में आई, जबकि कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। वहीं 120 वार्ड पर निर्दलियों का कब्जा रहा, जबकि 59 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस सिर्फ 11 वार्ड पर ही कब्जा जमा पाई है। भरतपुर जिले के 8 नगरपालिकाओं में हुए चुनाव का नतीजा घोषित हो चुका है। नगरपालिका चुनाव में निर्दलीय पार्षदों ने बाजी मारी है। जिले में नगरपालिका की 190 सीटों में से 120 सीटें निर्दलीय के हिस्से में गई है। आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। डीग, बयाना, सीकरी और भरतपुर की तस्वीरें हैं। भरतपुर, बयाना, सीकरी और डीग में जीत का जश्न किस तरह से मनाया गया, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब नतीजा सामने आया। पीएचडी मंत्री किरण माहेश्वरी और परिवहन मंत्री बाबूलाल वर्मा ने भरतपुर जिले में हुए 8 निकाय चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी। दोनों मंत्रियों ने दावा किया कि जिले में लोगों ने बीजेपी पर अपना भरोसा जताया है और कांग्रेस का सफाया हुआ है। पीएचडी मंत्री किरण माहेश्वरी ने कहा है कि बीजेपी से ही जुड़े कैंडिडेट्स जो बागी थे वही निर्दलीय चुनाव जीते हैं और अब वही यहां बीजेपी का वोट बनाएंगे। वहीं परिवहन मंत्री बाबूलाल वर्मा ने दावा किया कि अधिकतर निर्दलीय बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हैं, जिनकी मदद से बीजेपी सभी 8 निकायों में अपना बोर्ड बनाएगी। के ही जो हमारे रिबेलियंस थे, जो हमारे बागी कैंडिडेट्स थे, उनका वो लोग चुनाव लड़े, वो जीते हैं और आज वो हमारे साथ में मिलकर और हमारी नगर परिषद के बोर्ड बन रहे हैं। तो मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस का बिल्कुल साफ हो चुका है, कांग्रेस के नाम पर किसी ने वोट दिया नहीं है। कांग्रेस का ही मुकाबला रहता है और दोनों पार्टियों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार का बहुमत मिला है और कांग्रेस बिल्कुल साफ हो गई है, इससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो भरतपुर जिले की जनता ने विश्वास व्यक्त किया, निश्चित रूप से चुनाव परिणाम इस बात के संकेत है। 14 दिसंबर को हुए भरतपुर जिले के 8 नगरपालिकाओं के चुनाव परिणाम कांग्रेस को परेशान करने वाले मिले हैं। इन चुनाव में 8 में से 2 निकाय नदवई, कामा और वैर ऐसी रही जहां एक भी सीट पर कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई। तो वहीं डीग नगर और भुसावर में कांग्रेस के खाते में 1-1 और बयाना में 25 में से महज 2 ही सीटें मिल पाई। 8 निकायों के कुल 190 वार्ड में से 59 पर बीजेपी, 11 सीटों पर कांग्रेस और 120 सीटों पर निर्दलीयों ने जीत हासिल की है। मतलब साफ है कि इन चुनाव में भी भरतपुर जिले की जनता ने कांग्रेस को नकार दिया है। चुनाव परिणाम आए हैं, पिछले 3 चुनावों को यदि हम देखें नगर पालिका के, उन तीनों चुनाव का ट्रेंड सेम रहा है और हमने एक स्ट्रेटेजी के तहत चुनाव लड़ा है। ये जरूर है कि आप ये कहेंगे कि साहब कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार कम उतारे, लेकिन हमारी स्ट्रेटेजी थी जब कल चुनाव होगा चेयरमैन का, उस चेयरमैन के चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस, चूंकि सरकार है बीजेपी की, पूरी ताकत लगाएगी, प्रशासन का दुरुपयोग करेगी, पैसे का देन लेन करेगी। वैर के भुसावर नगर पालिका वार्ड नंबर 19 में हारे और जीते हुए प्रत्याशियों के बीच खासी तनातनी हो गई। निकाय चुनाव में हारे हुए प्रत्याशी और समर्थक अपनी हार से बौखलाए थे। ऐसे में ये लोग जीते हुए पार्षद के समर्थकों के साथ भिड़ गए और मारपीट कर दी, जिसके बाद जीते हुए प्रत्याशी के समर्थकों ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आपको बता दें कि घटना उस वक्त हुई जब भुसावर नगर पालिका के नतीजे से खुश होकर जुलूस निकाला जा रहा था। सूबे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान एक बार फिर अशोक परनामी के हाथों में होगी। हालांकि इसका विधिवत ऐलान मंगलवार को किया जाएगा। जयपुर में अध्यक्ष पद के नामांकन के दौरान इस पद के लिए महज परनामी ने ही 2 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। नामांकन में प्रस्तावक खुद सीएम राज्य और गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया बने। अशोक परनामी के बीजेपी अध्यक्ष बनने की सिर्फ औपचारिकता भर रह गई है, जो मंगलवार को सीएम राजे और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य की मौजूदगी में पूरी कर ली जाएगी। सूबे में अफसरशाही किस कदर हावी है, इसकी एक तस्वीर झुंझुनू में देखी जा सकती है, जहां सांसद संतोष शहलावत को सांसद कार्यालय के लिए अब तक जगह नहीं मिली है। अफसरों की तरफ से अटकाए जा रहे मामले से नाराज संतोष शहलावत ने इस मामले में लोकसभा अध्यक्ष से शिकायत करने का मन बना लिया है। आपको बता दें कि देश भर में सांसदों को काम करने के लिए कार्यालय मिल चुके हैं, लेकिन सूबे में ऐसे कई सांसद हैं जिन्हें दफ्तर के लिए जगह नहीं दी गई है। जिला परिषद के अधिकारियों और कलेक्टर के बीच चिट्ठियों के जरिए बातचीत तो हो रही है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला है।
कार्यालय के लिए कलेक्टर साहब का डीओ लेटर सीओ साहब के पूर्व सीओ साहब के टाइम में आया था, उसमें निर्देश ये दिए गए थे कि अटल सेवा केंद्र या अन्य कोई उचित भवन चिन्हित करके बताया जाए। तो उसमें प्रमुख महोदय ने बिल्डिंग नंबर 2 के लिए प्रस्ताव दिया था, लेकिन वहाँ समाज कल्याण विभाग चल रहा था, उनका अभी रिकॉर्ड ही पड़ा है और वो भी और कमरे की मांग कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत दुख के साथ इस बात को कह रही हूँ कि 2 महीने पहले से हमने सांसद हेल्पलाइन की घोषणा की थी, वो शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन जिला प्रशासन की पता नहीं लापरवाही कहूँ या हठधर्मिता कहूँ या क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। मैं निर्मल नाहटा की अध्यक्षता में ही नगर निगम की तीसरी कार्यकारिणी समिति बैठक में जमकर हंगामा हुआ। ऐसा पहली बार हुआ जब मेयर को अपने ही बोर्ड के चेयरमैन का विरोध का सामना करना पड़ गया। चेयरमैन का आरोप था कि उनके इलाके में 1 साल से विकास नहीं हुए हैं। आरोप ये भी था कि निगम अधिकारी खुद मेयर के आदेशों की पालना नहीं कर रहे। वैसे इस बैठक में कई प्रस्ताव रखे गए, लेकिन इसकी शुरुआत में ही चेयरमैनों ने अपनी समस्याएं रखने के साथ ही विरोध करना शुरू कर दिया। खबर है कि बैठक में एक कमेटी चेयरमैन ने पानी का ग्लास और माइक तक तोड़ दिया। कार्यकारिणी समिति सदस्य विकास कोठारी ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं, न कि किसी अधिकारी के। ब्यूरोक्रेट्स के प्रति कि जो भी प्रस्ताव बनाते हैं वो बिना समिति चेयरमैनों की एवं ईसी की बिना अनुशंसा के वो प्रस्ताव अपने मन से बनाते हैं, उसी परिणाम स्वरूप थोड़ा बहुत समिति चेयरमैनों का एवं सदस्यों का महापौर के समक्ष विरोध दर्ज किया। वो विरोध है कि जनता के विकास के लिए हम लोग चुन के आए और जनता ने हमको चुना है, हमारा जो हम जवाबदेह हैं जनता के प्रति हैं। जयपुर नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की बैठक में निगम कर्मचारियों ने भी खासा बवाल किया। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर विरोध कर रहे थे। कर्मचारियों का आरोप था कि इस बैठक में कर्मचारियों से जुड़ा कोई प्रस्ताव शामिल नहीं किया गया है, ऐसे में उनके स्थायीकरण पदोन्नति सहित दर्जनों प्रस्ताव अटके हुए हैं। कर्मचारियों ने मांगे नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। की मीटिंग हुई है, इसमें हमारे सारे प्रस्ताव डीएलबी से पास अप्रूव्ड हाउस में, अब इनको यहाँ रखने के वो यहाँ से प्रस्ताव और पास होते हैं हमारे ईसी की मीटिंग से, जब भी हमारे जाकर के कर्मचारियों के कोई आदेश निकलते हैं कि पदोन्नति का है या जो भी कुछ है वो यहाँ से ईसी की मीटिंग से पास हो जाएगा जब आदेश निकलेगा, तो उन्होंने प्रस्ताव ही नहीं रखे हमारे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है स्मार्ट सिटी प्लान का प्रस्तावित प्लान। राजस्थान ने केंद्र सरकार को यह प्लान भेज दिया है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय को प्रस्तावित प्लान भेजने वाला पहला राज्य है। प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी डॉक्टर मंजीत सिंह ने चारों शहरों की डीपीआर पर नगरीय विकास मंत्री राजपाल सिंह से मंजूरी ली, फिर मुख्य सचिव से भी हरी झंडी मिल गई, जिसके बाद इसे केंद्र को भेज दिया गया है। आपको बता दें कि जयपुर कोटा उदयपुर अजमेर को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाना है। इन शहरों के लिए केंद्र से प्रदेश सरकार ने 6,407 करोड़ रुपए मांगे हैं। अकेले जयपुर पर 2,404 करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना है, जबकि अजमेर के लिए 1,300, उदयपुर के लिए 1,221 और कोटा के लिए 1,493 करोड़ रुपए का प्लान तैयार किया गया है। शहर के विकास को जल्द ही रफ्तार मिलेगी। जयपुर नगर निगम और C40 सिटीज के बीच औपचारिक एमओयू हुआ है। एमओयू होने के बाद C40 सिटीज जयपुर को क्लाइमेट चेंज, ट्रांसपोर्टेशन और शहरी विकास के मुद्दों पर विश्व भर में हो रहे अच्छे कामों और तकनीक संबंधी जानकारी देनी होगी। महापौर निर्मल नाहटा ने बताया कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की दिशा में एमओयू महत्वपूर्ण कदम है। C40 के माध्यम से जयपुर के विकास के साथ ही इकोनॉमी को बढ़ाए जाने संबंधी विषयों पर भी ध्यान दिया जाएगा। दुनिया में जैसे भी कोई आए देशों के बीच में आना जाना पड़ेगा उनका। क्लाइमेट को लेकर काफी चिंताएं व्यक्त की जा रही है। सदस्य देश हैं आपस में, जो तकनीकी है और इस संबंध में जो भी नया डेवलपमेंट होगा आपस में विचार विमर्श करेंगे। एक ये है कि इंडिया में अभी 5 शहर मेंबर्स है C40 के। जयपुर अभी 80 शहरों में दुनिया में 80 बिगेस्ट जो महानगर है उनमें से एक मेंबर सिटी है। जयपुर के टोंक रोड के पास दुर्गापुरा एलिवेटेड रोड की शुरुआत 18 दिसंबर को हो सकती है। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एलिवेटेड रोड का उद्घाटन करेंगी। वहीं जेडीओ और एमएलआईटी विशेषज्ञों ने एलिवेटेड रोड का लोड टेस्ट भी करना शुरू कर दिया है, जो 16 दिसंबर तक जारी रहेगा। एमएनआईटी की तरफ से यह टेस्ट भारी वाहनों को एलिवेटेड रोड पर खड़ा करके किया जा रहा है। एक समारोह के तहत इस एलिवेटेड रोड को जनता को सौंपा जाएगा।
कानपुरा में आईएस और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार मालपुरा यहां पर पहुंचे, जहां उन्होंने जांच अधिकारियों से पूरे मामले में अब तक की गई जांच की जानकारी ली। पुलिस ने इस मामले में अब सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पुलिस ने नारेबाजी करने वाले युवकों के खिलाफ 153A धारा के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन जांच से मिले सबूतों के आधार पर अब पुलिस ने धारा 153A के साथ साथ धारा 124A भी जोड़ दी है। इसके बाद सभी आरोपियों पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। फिलहाल पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और 10 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मुस्लिम समाज के लोग हैं मालपुरा के, उनका कहना है कि हम लोग जो समस्त मुस्लिम समाज है इसकी निंदा करते हैं और हम शर्मिंदा हैं, उन्होंने कहा। और उन्होंने हर तरह से हर संभव प्रयास करने, मतलब सपोर्ट करने का हमें निर्णय लिया है। राजस्थान के टोंक जिले में बीते दिनों आतंकवादी संगठन आईएसआईएस समर्थित नारे लगाने के विरोध में जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान पड़ोसी देश पाकिस्तान का झंडा भी जलाया गया। विरोध प्रदर्शन में शामिल स्वामी प्रज्ञानंद ने कहा कि टोंक में आईएसआईएस समर्थकों ने हिन्दुस्तान और आरएसएस मुर्दाबाद के जो नारे लगाए वो लोकतंत्र की परम्परा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा हिन्दुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है जहां लोकतांत्रिक परम्पराएं चलती हैं। साथ ही आशा जताई कि आतंकी संगठन का समर्थन करने वाले लोगों को कानून सजा देगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। हमारे भाई एक कमलेश तिवारी है जो राष्ट्रभक्त है, उसने सिर्फ एक ऐसी व्यवस्था का जवाब दिया था जिस पर प्रश्न किया गया था कि समलैंगिकता पर प्रश्न किया गया था, हमारे ऊपर आरोप लगाया गया था, हमारे आरएसएस के राष्ट्रभक्तों पर आरोप लगाया गया था, उसका जवाब दिया था। भरतपुर में किसान बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। बिजली आपूर्ति लगातार ठप रहने से परेशान सैकड़ों किसान अपनी शिकायत लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे, जहां डीएम से समस्या का समाधान करने के लिए सौंपा ज्ञापन। किसानों का कहना है कि उनके क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से बिजली आपूर्ति ठप पड़ी है, जिससे उनकी फसलों को भी पानी नहीं मिल पा रहा है। रबी की फसल पानी के अभाव में सूख रही है, लेकिन शिकायत के बावजूद भी बिजली विभागीय अधिकारी उनकी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वहीं कभी कम और कभी ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से किसान अपने ट्यूबवेल की मोटरें फूकने से परेशान है। लाइट नहीं दे रहे, हमारी फसल बर्बाद हो रही है, लाइट पूरी दे नहीं रहे, 150 पावर दे रहे, मोटर चल नहीं रही। खबर अलवर से, जहां पर शव को दफनाने को लेकर दो पक्ष आमने सामने हो गए। मामला भिवाड़ी अलवर बाईपास स्थित पावर ग्रिड के पास के है, जहां खिजोरीवास गांव में किराए पर रहने वाले गब्बर ने अपनी मासूम बेटे की मौत के बाद अपने साथियों के साथ पावर ग्रिड के पास बच्चे को दफना दिया, जिस पर खेत मालिक ने विरोध किया। दोनों पक्षों में इसके बाद कहासुनी हो गई। विवाद की सूचना पर तहसीलदार और पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और मामले की जांच पड़ताल की। मृतक बच्चे के परिजनों को खेत से बच्चे के शव को निकालकर शमशान भूमि में दफनाने के निर्देश दिए गए। ब्यावर में लोगों को आजकल अलग परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर परिषद में लंबे समय से एएन और जेएन नहीं है, जिससे आम शहरवासियों के काम अटके पड़े हैं। किसी को नक्शा पास करवाना है तो किसी की लैंड यूज चेंज करवाने हैं। यही नहीं, ये दोनों अधिकारियों के न होने से शहर के विकास कार्य बाधित हो गए हैं। जब इसकी शिकायत परिषद आयुक्त वर्मा से की गई तो उन्होंने भी अधिकारियों के लंबे समय से अवकाश पर रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आश्वासन दिया है कि शहरवासियों की समस्या को देखते हुए जल्द ही समाधान किया जाए। जयपुर में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला वैशाली नगर थाना इलाके की है, जहां ऑफिसर कैंपस स्पॉश इलाके में चोरों ने दो दिनों से आतंक कायम कर रखा है। यहां से चोर तीन मकान को निशाना बनाते हुए लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर चुके हैं। इसके बावजूद ही पुलिस के कान पर जू तक नहीं रेंग रही। देर रात 327 नंबर मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। खबर है कि मकान मालिक राहुल सिन्हा एक समारोह में शामिल होने परिवार सहित दिल्ली गए थे और चोरों ने मकान सुना देखकर यहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बहरहाल पुलिस को घटना की सूचना दी गई है, अब पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। जब मैं आया हूँ तो फ्रंट गेट का ताला तो बंद था, लेकिन जब गेट खोल के अंदर आया हूँ तो साइड वाला दरवाजा इसका खुला हुआ था। पूरा रूम में सारे कपड़े बिखरे हुए थे, वार्डरोब खुले हुए थे, अलमीरा टूटे हुए थे सारे रूम्स के। इनिशियली लग रहा है कि यहाँ चोरी हुई है, फिर मैंने पुलिस को फोन किया था 100 नंबर पे, वो भी आके अपना रात को रिपोर्ट उन्होंने किया हुआ है। अभी वो कह रहे थे कि 2 बजे तक आएंगे, तब तक हम लोग कोई सामान नहीं छू रहे हैं। अभी
कोटा में चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला नयापुरा इलाके का है, जहां चोरों ने रिटायर्ड पुलिस अधिकारी के घर पर धावा बोलकर रखी नकदी और 1.5 किलो चांदी के जेवरों पर हाथ साफ कर दिया। रविवार रात चोर अंधेरे का फायदा उठाकर घर में दाखिल हुए, वहां रखी नकदी और चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। भरतपुर में दिनदहाड़े बदमाशों ने एक किसान से 25,000 रूपये लूट लिए। घटना बस स्टैंड के पास हीरादास चौराहे की है, जहां किसान अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान दो बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने किसान से 25,000 रूपये लूट लिए। दरअसल पीड़ित बुजुर्ग अपनी बीमार बहू का ऑपरेशन कराने भरतपुर पहुंचा था, जो कुछ जरूरी कागजात घर लेने गई अपनी बेटी का इंतजार कर रहा था। तभी बाइक सवार बदमाशों ने किसान के गले में रस्सी डालकर उसे 25,000 रूपये लूट लिए। जब पीड़ित ने शोर मचाया तो लोग मदद के लिए आए, लेकिन बदमाशों ने इससे घर का झगड़ा होने का ड्रामा कर उनको भगा दिया और फिर खुद भी रूपये लूट कर फरार हो गए। बहरहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। जोधपुर में लुटेरी दुल्हन का एक और मामला सामने आया। घटना माता के थान में मंदिर वाला बेरा इलाके की है। पिछले साल 11 मार्च को धर्मेंद्र गहलोत की शादी इंदौर निवासी कला से आर्य समाज मंदिर में हुई। धर्मेंद्र के मुताबिक कला शादी के 1-2 दिन बाद ही अपने माता पिता की आर्थिक हालत खराब बताते हुए 51,000 रूपये की जरूरत बताई। पहले तो पति धर्मेंद्र ने देने से इनकार कर दिया, लेकिन जिद करने पर 38,000 रूपये की व्यवस्था की। कुछ दिन बाद वो 13,000 रूपये, 10 तोला सोना चांदी के आभूषण लेकर चंपत हो गई। उधर नागौर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने आनंदपाल गैंग के एक सक्रिय सदस्य नारायण सिंह और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों को पुलिस ने सुरजनियावास गांव के एक फार्म हाउस से दबिश देकर गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाश नारायण सिंह शहर के व्यापारी कमल रंगवाला को अगवा कर मारपीट करने का मुख्य आरोपी है। इसके अलावा उस पर थाने में 18 मामले दर्ज है। उस पर पुलिस ने 5,000 रूपये का इनाम भी रखा था। नागौर पुलिस का दावा है कि पकड़े गए बदमाश नारायण सिंह से आनंदपाल फरारी मामले से जुड़े राज खुल सकते हैं। अगली खबर हनुमानगढ़ से, जहां एंटी करप्शन की टीम ने घूसखोर थानेदार उसके दलाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। पकड़ा गया थानेदार गोगा मेडी थाने में तैनात है। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नेत्राना के रहने वाले दीपक कुमार ने एसीबी के चोरू चौकी में परिवाद पेश किया कि भादरा के मनोज धीरवासिया ने लॉटरी के 75,000 रूपये लेने थे। इसको लेकर उसने थानाधिकारी के सामने परिवाद पेश किया, जिसके बाद थानाधिकारी ने मुकदमा दर्ज न कर मनोज धारियावास से 65,000 रूपये वसूल लिए और उन पैसों के वसूल 25,000 रिश्वत की मांग की। शिकायत पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई करते हुए थानेदार और उसके दलाल को गिरफ्तार कर लिया। अलवर के नारायणपुर और बानसूर थाना क्षेत्र के अंतर्गत अवैध खनन की शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17 ट्रैक्टर और एक जेसीबी को जब्त कर 18 लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने 3 टीम बना लिया और बानसूर थाना क्षेत्र के कुंडली की नदी में अवैध बजरी का खनन करते ट्रैक्टर और एक जेसीबी जब्त की है। वहीं बड़ा गांव के पहाड़ से पत्थर का खनन कर ले जाते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी जब्त किया है। जबकि नारायणपुर थाना क्षेत्र में धाबाई की ढाणी और ज्ञान सिंह की ढाणी के पहाड़ से 9 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। आपको बता दें कि इन क्षेत्र में कभी कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए यहां खनन माफियाओं के हौसले बुलंद थे। पुलिस का कहना है कि खनन माफिया के गांव वालों से भी कनेक्शन थे, जिससे पुलिस के आने से पहले ही खनन माफिया को इसकी जानकारी दे दी जाती थी। आखिरकार पुलिस ने गुप्त रूप से दबिश देकर खनन गिरोह को कब्जे में ले लिया। सिरोही में शिक्षा विभाग की अनदेखी से एक स्कूल के 9 कमरे में 5 स्कूल चल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सिरोही जिला मुख्यालय स्थित सरकेम स्कूल की, जिसमें 400 छात्रों का नामांकन है, लेकिन 400 छात्रों के लिए सिर्फ 9 कमरे हैं। कमरे के अभाव में पहली और दूसरी क्लास के छात्र सर्दी में खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। अलवर रेलवे स्टेशन के पास एक छात्रा ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। छात्रा का शव मोर्चे में रखवाया गया है, जिसकी अभी तक शिनाख्त भी नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों की माने तो छात्रा स्टेशन पर खड़ी थी, जैसे ही ट्रेन आगे आई छात्रा ने उसके आगे छलांग लगा दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। श्रीगंगानगर में एक बुजुर्ग ने खुद को आग लगा लिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना शहर के विनोबा बस्ती की है। जब बुजुर्ग अपने छत पर बने बाथरूम में खुद को आग लगा लिया, ये बताया जा रहा है। बुजुर्ग के शोर मचाने पर परिजनों और आसपास के लोगों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक बुजुर्ग की जान जा चुकी थी।
जावे शहर के चांगेट इलाके में स्थित विवेक ट्रेडर्स के शोरूम में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिससे लोगों में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से शोरूम में रखे हैंडलूम का सारा सामान जलकर राख हो गया। झुंझुनू में युवा सोशल मीडिया का इस्तेमाल जरूरतमंदों की जिंदगी सुधारने के लिए कर रहे हैं। इलाके के स्कूली छात्रों ने फेसबुक पर दी द ट्रेंड्स नाम से स्पेशल पेज बनाया है, जिसके माध्यम से स्कूली छात्रों से घर में बेकार पड़े गर्म कपड़े दान देने की अपील की गई है, जिसके देखते ही उनके पास गर्म कपड़े इकट्ठे होने लगे। गरीब जरूरतमंदों को ये कपड़े बांटे गए। युवाओं की इस पहल से जरूरतमंदों को उनकी जरूरत का सामान मिला है, तो स्थानीय लोग इस कोशिश की तारीफ कर रहे हैं।